भारत में कोरोना की दूसरी लहर से हाहाकार मचा हुआ है। ऐसे में कई जानकारों ने कोरोना की तीसरी लहर आने की भी संभावना जताई है। इनका कहना है कि तीसरी लहर बच्चों को ज्यादा शिकार बना सकती है। कोरोना की तीसरी लहर से बच्चों को कैसे बचाएं, इस रिपोर्ट में देखिए। भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर से हाहाकार मचा हुआ है। अब कहा जा रहा है कि भारत में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर आई तो ये बच्चों के लिए खतरनाक होगी। ऐसे खतरे को देखते हुए बेहद जरूरी है हम वयस्कों के साथ ही बच्चों की सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान दें। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कुछ तरीके बताए हैं जिन्हें अपनाकर बच्चों को कोरोना संक्रमण से सुरक्षित रखा जा सकता है। 6 साल से बड़े बच्चों को मास्क जरूर लगाएं। विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ का कहना है 6 से 11 साल तक के बच्चों को मास्क पहनना इस बात पर निर्भर करता है वे जिस क्षेत्र में रह रहे हैं वहां संक्रमण की स्थिति क्या है। और साथ ही याद रखें 2 साल से छोटे बच्चों को मास्क ना लगाएं। अभिभावक बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में जरूर बताएं। बच्चों में बार बार हाथ धोने की आदत जरूर डालें। कोरोना बीमारी के बच्चों में लक्षण क्या है? बच्चों के शरीर पर लाल चकत्ते दिखें तो सतर्क हो जाएं। बच्चों को 1-2 दिन से ज्यादा बुखार रहे तो डॉक्टर से सलाह लें। अगर आपको बच्चे के चेहरे का रंग नीला दिखने लगा तो सतर्क हो जाएं। बच्चे को उल्टी दस्त की समस्या हो ये कोरोना के लक्षण हैं। बच्चे के हाथ पैर में सूजन आना कोरोना का लक्षण हो सकता है। कोरोना से बच्चों का बचाव कैसे करें? ये तरीके अपनाकर आप बच्चों को मजबूती दे सकते हैं। फेफड़े मजबूत बनाने के लिए बच्चों को गुब्बारे फुलाने के लिए दें। बच्चों को पीने के लिए गुनगुना पानी दें, इससे संक्रमण का खतरा कम होगा। अगर बच्चा थोड़ा बड़ा है तो उसे सांस वाली एक्सरसाइज जरूर कराएं। बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए खट्टे फल खाने के लिए दें। बच्चों को बैक्टीरियल इन्फेक्शन और वायरल इन्फेक्शन से बचाने के लिए हल्दी वाला दूध दें। बच्चों को इस बीमारी के बारे में और सावधानी के बारे में समझाएं, डराएं नहीं। मोबाइल और तनाव से दूरी। तनाव केवल वयस्कों में नहीं होता बल्कि छोटे बच्चे भी इसका शिकार बनते हैं। ध्यान रखें तनाव का असर शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली पर पड़ता है। इस बात पर नजर रखें कि इस घबराहट भरे दौर में आपके बच्चे मोबाइल टीवी पर क्या देख रहे हैं। बच्चों को ध्यान लगाने, व्यायाम और सांस नियंत्रण की तकनीक सिखानी चाहिए। नवजात की सुरक्षा कैसे करें? नवजात शिशुओं को ज्यादा लोगों के संपर्क में आने से रोकना चाहिए। बच्चे को जितने कम लोग हाथ में लेंगे उतना ही अच्छा होगा। माँ के लिए भी ये बेहद जरूरी है वो अपने हाथों को बार बार धोती रहें। नवजात शिशु को दूध पिलाते समय भी माँ मास्क पहने ताकि उसे इन्फेक्ट होने से बचाया जा सके और स्तन की सफाई रखें। हल्का संक्रमण हो तो ये काम जरूर करें। लक्षण: गले में खराश लेकिन सांस लेने में तकलीफ नहीं, पाचन संबंधी दिक्कत। उपचार: बच्चे को घर में ही आइसोलेट करके उसका उपचार किया जा सकता है। अगर बच्चे को पहले से ही दूसरी समस्याएं हैं तो डॉक्टरी सलाह जरूर लें। मध्यम प्रकार का संक्रमण: लक्षण हल्के निमोनिया के लक्षण, ऑक्सीजन का लेवल 90% या इससे नीचे चला जाना। उपचार: बच्चे को कोविड अस्पताल में भर्ती कराएं, शरीर में द्रव और इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा संतुलित हो। गंभीर संक्रमण हो तो ऐसा काम करें। लक्षण: गंभीर निमोनिया, ऑक्सीजन का स्तर 90% से नीचे चला जाना, थकावट, ज्यादा नींद आना। उपचार: फेफड़े गुर्दे में संक्रमण की जांच, सीने का एक्सरे कराना जरूरी है। कोविड अस्पताल में भर्ती कराया जाए जहां अंग निष्क्रिय होने संबंधी उपचार का प्रबंध हो। उपचार में रेमडेसिविर जैसे स्टेरॉयड का उपयोग डॉक्टरी निगरानी में हो। तो परिजनों को अपने बच्चों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जो कुछ तरीके बताए हैं जिन्हें अपनाकर बच्चों को कोरोना संक्रमण से सुरक्षित रखा जा सकता है। स्पेशल डेस्क, टोटल टीवी।